Hello everyone, I am Bharti Budhiraja. Today we will be taking up question answers of chapter 10 of Beehive, Kathmandu. We had read the chapter and what was there in the chapter, let's quickly recall. It was written by Vikram Seth from his novel Heaven's Lake, जहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी चाइना से लेकर इंडिया की जर्नी, और वहाँ उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या क्या वो देखते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज व्हेन ही रीचेस काठमांडू एंड कहाँ पे वो कैसे देखते हैं एंड व्हाट इज ही अंडरस्टैंड. इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो तीन थीम्स थी जो हमने पिक की थी, दो तीन थीम्स के बारे में बात किया था. दैट वॉज, वन इज ट्रैवलिंग गिव्स अस एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी. हम ट्रैवलिंग करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लाइफ में और मैच्योर्ड हो जाते हैं फ्रॉम द टाइम वी बिगिन द जर्नी एंड व्हेन वी एंड द जर्नी. उसमें हमारे मेंटल लेवल का डिफरेंस दिखाई हमको देता है. सेकेंडली व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट वाज टू टेंपल्स जो वो वहाँ पे जाते हैं, एक पशुपतिनाथ विच वॉज अ हिंदू टेम्पल एंड वन वॉज द बौद्धनाथ स्तूपा विच इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल. और उन्होंने उन दोनों को कंपेयर करके हमें बताया था व्हाट वॉज द डिफरेंस बिटवीन देम. कैसे पशुपतिनाथ का जो सिनेरियो, कैसे एनवायरनमेंट जो था बहुत नॉइजी था. इट वॉज़ फुल ऑफ नॉइज, कमोशन, लॉट ऑफ पीपल वर देयर. बहुत सारे नॉइजेज आ रहे थे, फाइटिंग्स हो रही थी, बहुत सारा. ही हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वन एनवायरमेंटल इशू इन दिस, जहाँ पे वो दिखाते हैं कैसे वो होली रिवर ऑफ बागमती जो है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन इट वॉज बींग पल्यूटेड. कैसे उसमें डेड बॉडीज मिल रही थी, वॉशर वुमेन वर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, बच्चे नहा रहे थे एंड पीपल वर थ्रोइंग फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स विच हैव बीन ऑफर्ड टू द गॉड. तो कैसे हमने पल्यूशन क्रिएट किया है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. देन ही मूव ऑन टू द बागमती, सॉरी द बौद्धनाथ स्तूपा, वेयर ही कंपेयर्स एंड सेज कि जैसे वहाँ पे बहुत क्योटिक चीज़ थी, यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट और क्वाइट इन्वायरमेंट है, बिल्कुल शांत है. वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है. पीपल आर वर्शिपिंग इन अ डिफरेंट वे, नॉट टू शो एनीथिंग डाउन और एनीथिंग, बट जस्ट कंपेयरिंग टू टाइप्स ऑफ रिलीजन्स. ऑलराइट, एंड देन वी हैड मूव्ड ऑन टू द फ्लूट सेलर. कैसे उसने फ्लूट से, म्यूजिक से, हाउ म्यूजिक इज एबल टू स्पेल बाउंड somebody, कैसे म्यूजिक का इफेक्ट होता है किसी के ऊपर, वो हमने पढ़ा था. एंड कैसे फ्लूट सेलर के थ्रू उसने हमें ये बताया था कि म्यूजिक इज समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल. यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टोरी में फ्लूट की बात हो रही थी, बट मैसेज ये था कि बहुत टाइप का म्यूजिक होता है एंड म्यूजिक इज समथिंग विच कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर. तो अब जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स. It is an extract from Vikram Seth's travelogue Heaven's Lake, which narrates his long journey from China to India via Tibet and Nepal. ये चीज़ हमने बुक में भी पढ़ी थी, इसको बिल्कुल ध्यान में रखो, इसको आंसर्स में आप लिख सकते हो. It is an extract from Heaven's Lake, पूरी नॉवल का नाम है Heaven's Lake, उसमें से extract है. और long journey from China to India describe हुई है via Tibet and Nepal. He describes the ambience. Ambience होता है environment या surrounding. Environment या surrounding. Okay. Describes the ambience of the two temples he visits and records his observation about their surroundings. Contrasts the hectic activity in the Hindu temple with the serenity in the Buddhist stupa. What is serenity? Peacefulness. Peaceful. Peace जो थी वहाँ पे, peaceful था सब कुछ, बहुत शांत था. उस चीज़ से उसने उसको compare किया है. General environment of the place. He is talking about the general environment of the place. वहाँ पे कैसे क्या क्या दिखता है उसको, streets पे क्या दिख रहा है. Discusses the markets, roads, etc. Also adds a few aesthetic remarks. Aesthetic होती है जो चीज़ें हम देख पाते हैं, things we see. See, scenarios जो होते हैं. About the musical instrument, flute, after listening to a flute seller playing the musical instrument. Reveals how we thoughtlessly pollute our rivers, washing clothes on their banks, cremating corpses and dumping rubbish. तो इन चीज़ों से इसने हमको स्पेसिफाई किया. तो तीन चार थीम्स मैंने आपको बता दी, इन्वायरमेंट, पल्यूटिंग ऑफ द रिवर्स, द कंपैरिजन बिटवीन द कियोटिक सीन एंड द हेक्टिक सीन ऑफ द पशुपतिनाथ अलोंग विद द सेरेनिटी ऑफ द बौद्धनाथ स्तूपा.
तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें से समझने को सीखने को मिलती हैं. सो नाउ वी कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेते हैं. जो फर्स्ट एक्टिविटी है दिस इज टेलिंग अस अबाउट विच इज़ द मैप ऑफ द रूट उसने फॉलो किया. ये हमको समझना है फ्रॉम चाइना टू काठमांडू टू यूपी टू दिल्ली. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव आर द क्वेश्चंस. इसको जल्दी से कर लेते हैं. नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू. कौन से टेम्पल्स में विजिट किया था? पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ स्तूपा. बौद्धनाथ स्तूपा. द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉच डाउन विद कोकोला. वॉट इज ऑल दिस? ऑल दिस रेफर्स टू हिज एग्जॉस्टन, टायर्डनेस ऑफ जर्नी. टायर्डनेस या एग्जॉस्टन. एग्जॉस्टन होता है व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड. एग्जॉस्टन ऑफ जर्नी, कॉब ऑफ कॉर्न जो उसने खाया है, कॉब ऑफ कॉर्न एंड मारीजपैन. मारीजपैन जो वो स्वीडिश खाता है. इन सब खाने की चीज़ों को वो वॉश डाउन, मतलब ही ट्राइज टू डाइजेस्ट इट. वॉट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन. किस चीज़ से कंपेयर किया है उसने? फ्लूट सेलर. जो फ्लूट सेलर ने जो फ्लूट लगा रखी थी बैम्बू पे, दैट इज वॉट ही इज कंपेयरिंग. नेम फाइव काइंड ऑफ फ्लूट. इसके लिए हमें चैप्टर पे एक बार वापस जाना पड़ेगा, विच इज हियर ओनली. इमीजिएटली आई सी. सी ये हैं, फर्स्ट इज द रे नीड, फर्स्ट वन. देन यू हैव द शाकुची, जापानीज शाकुची, सेकेंड वन. हिंदुस्तानी बांसुरी इज द थर्ड वन. देन क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका. एंड देन यू हैव द चाइनीज, हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स. दिस इज द फिफ्थ वन विच ही हैज नेम्ड हियर. सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट योर आंसर. ओके नेक्स्ट. वॉट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स. क्या डिफरेंस है? ही इज पीसफुल, डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स. ठीक है, और क्या था दूसरा? ही इज नॉट वेरी मनी माइंडेड. जो ओकेजनल सेलिंग हो रही थी, दैट वॉज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. कर रहा था ठीक है, ही वॉज ओके विद इट. वॉट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट एंड ऑफ द कलयुग. ये हमने उसमें पढ़ा था कि देर वॉज अ श्राइन विच वॉज हाफ इमर्स्ड इन टू दी वॉटर. और बिलीफ ये था कि जैसे जैसे वो श्राइन ऊपर आता जाएगा और उसमें से गॉडेस निकल के चली जाएगी, तो कलयुग का एंड आ जाएगा. ऑलराइट, दी सो व्हाट इज दी बिलीफ? द बिलीफ वॉज दैट दैट व्हेन दिस श्राइन इट वॉज हाफ इमर्स्ड इन टू वॉटर, व्हेन इट कम्स आउट, व्हेन इट इज एक्सपोज फुली आउट ऑफ द वॉटर, द गॉडेस विच इज देयर इन साइड द श्राइन विल एस्केप. And then what will happen? There will be an end of the Kaliyuga. The author has drawn powerful images and pictures. Pick out three examples of each. The atmosphere of febrile confusion outside the temple of Pashupatinath. Example, people trying to get priest attention were elbowed aside. अब इसके लिए एक बार हम वापस से चैप्टर में चलते हैं, उसमें से ढूंढ लेंगे आंसर को. Because remembering these facts is little difficult, लेकिन उसमें से मार्क कर लेंगे. तो पशुपतिनाथ में उसने हमें क्या दिखाया था? वन वॉज पीपल ट्राइंग टू एल्बो. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी तीन पिक कर लेना. वन वॉज अ प्रिंसेस ऑफ नेपलीज रॉयल अपियर्स, एवरीवन बोज. ठीक है, अ पार्टी ऑफ सैफरन वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर द परमिशन ऑफ एंट्री. ये है
Then a fight breaks between two monkeys. All right? Screaming around the temple, they run screaming around the temple. तो तीन यहाँ पे examples हैं जो हमने पढ़ लिए. ये वाला example already हमें question में दिया था, तो it we can miss out this. Next क्या है हमारा? What is the three things which he wants us to show? Quickly let's see. नेक्स्ट क्या है? द थिंग्स ही सीज. द थिंग्स ही सीज में अगेन दोज फाइट्स कैन बी देयर. यू कैन टॉक अबाउट द कॉर्प्स फ्लोइंग इन वाटर. मार्केट सीन. वेंडर्स. शॉप्स. स्टॉल्स सेलिंग थिंग्स. ठीक है. Then you can talk about people throwing flowers. Flowers. Then you can see washerwoman washing clothes. तो कोई भी three things आप इसमें से pick कर सकते हो. Sounds he hears. Sounds मैंने आपको mark कराई थी उसमें. What were there? Film songs, blare out. Second क्या था? Car horns, hawkers calling out their wares. और लास्ट आप ही कह सकते हो बेलोइंग ऑफ काउज. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें वो सुनता है. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमोसफेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन विद पशुपतिनाथ टेम्पल. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब हम इसमें ऐसे लिख लेते हैं, पशुपतिनाथ के लिए डिस्क्राइब करते हैं. पशुपतिनाथ में क्या था? पशुपतिनाथ टेम्पल, सबसे पहले हम बोलेंगे इट इज़ अ हिंदू टेम्पल. फर्बाइल कन्फ्यूजन. क्या था फर्बाइल कन्फ्यूजन? नॉइजी हेक्टिक क्राउडेड लॉट ऑफ एक्टिविटीज. जिसमें आप दो तीन एग्जाम्पल्स दोगे, एग्जाम्पल ऑफ मंकीज फाइटिंग, सैफरिन क्लैड, सैफरिन क्लैड वेस्टर्नर्स, डिवोटीज ट्राइंग टू एंटर फोर्सफुली. ठीक है. तो ये वाले पॉइंट्स हो गए पशुपतिनाथ टेम्पल के. इसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे इसको बौद्धनाथ स्तूपा से, बौद्धनाथ स्तूपा में क्या है? पीसफुल बुद्धिस्ट टेम्पल. ठीक है. सो इट इज पीसफुल साइलेंट या क्वाइटेंड वर्ड यूज किया था उसने, सेरेनिटी. नॉट ओवर क्राउडेड. ठीक है. इन पॉइंट्स को आप इलैबोरेट करके यू कैन फाइंड आउट द कंपैरिजन. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स. इसके लिए एक बार चैप्टर में वापस चलते हैं. लेट्स फाइंड द आंसर. ये भी बहुत डिटेल में फैक्चुअल उसने डिस्क्राइब कर रखा है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है. वो सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे. लुक एट दिस पैराग्राफ फोर में इसका आंसर है. पैराग्राफ फोर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन टू. काठमांडू इज विविड मर्सनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडॉर्न डेटीज अलॉन्ग विद द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स.
with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Westerner cosmetics, film rolls, chocolates or copper utensils and Nepalese antiques. Film songs blare out in the radios, car horn sound, bicycle bells ring, stray cows questioningly at the motorcycles, vendors shout out their wares. तो ये है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू स्ट्रीट्स. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस अगेन, आप एज इट इज इसमें से लिख सकते हो अपनी बुक में से. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, To hear any flute is to be drawn into commonality of mankind. Why does the author say this? Author says this because the flute is played in different ways but it is common to all, which can bind all nationalities. इसको आप डिस्क्राइब करोगे, इसमें आप सारे फाइव नेम्स भी बता सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में वो बजती है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वे ऑफ दे इट इज बींग प्लेड, बट स्टिल इट इज म्यूजिक विच ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर एंड दैट इज वॉट द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज. अब जल्दी से हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेते हैं विच आई प्रिपेयर्ड फॉर यू. हाउ डज द फ्लूट सेलर नियर द होटल सेल हिज फ्लूट्स. कैसे होता है, ही इज कैरिंग अ बैम्बू स्टिक विच हैज फ्लूट्स protruding out of it like a porcupine. ठीक है, he does not shout out his wares but plays the flute peacefully. Fine. So this is how he sells his wares. How was the Buddhist shrine at Kathmandu different from the temple? इसका हमने अभी long answer किया था, same answer लिखेंगे. Hectic versus serene. Crowded versus quietened, yeah, not very crowded. ठीक है, उसके बाद noisy, chaotic versus silent. ठीक है, so this is Pashupatinath. And this is Baudhanath. Fine, Baudhanath Stupa. What is the belief associated with the half-immersed shrine in the river Bagmati? What does it tell us? That when the shrine will be completely exposed or exposed out of water, the goddess will escape and the Kali Yuga will end. What does it tell us? Little bit superstitious.
सुपरस्टिशियस बिलीफ है ये एक. फाइन, नेक्स्ट. व्हाट मेजर्स डज द राइटर अडॉप्ट व्हेन ही ट्रैवल्स अलोन? क्या मेजर्स लेता है वो? दैट ही डज नॉट स्पेंड मनी टू मच ऑन अकोमोडेशन नेक्स्ट ही ट्रैवल्स टू ब्यूटिफुल प्लेसेस लर्निंग अबाउट द प्लेसेस ही विजिट्स. ठीक है, ओके. नाउ वी मूव ऑन टू द आरटीसी बेस्ड क्वेश्चन. वन आई डन वन फॉर यू. एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन, दिस इज द लाइन विच कैन लोकेट फ्रॉम योर चैप्टर. This is, we are talking about what kind of atmosphere prevails outside the temple and why of furbile. Ye shayad hai paragraph 2 in the book. Furbile confusion. Okay. Then why as a lot of devotees are there to worship, activities are many. All right, lot of activities, lot of traditions, lot of customs are being followed there. What happens when a princess of Nepalese royal house appears there? People bow down to her in respect and give her the way, showing that she is an important factor there. Or religious places mein ye bahut hota hai, jab koi important person aata hai, he or she is let to go. Why do the saffron color vestments struggle to permission to enter? Because they are not Hindus but want to visit and explore the temple. The rule is only Hindus are allowed inside. ठीक है, this is what the chapter talks about. Find out the words and phrases which make the following make known publicly. I think ये उसका था. Complete chaos, complete lines पे चलते हैं एक बार जल्दी से. Lines क्या थी हमारी? Okay. Make known publicly. What are the lines? We have to go back. I'm sorry. We have to go back to the chapter. Let's go back to paragraph 2. जल्दी से चल लेते हैं एक बार. एक सेकेंड लगेगा. चैप्टर पे चलते हैं वापस. यस, पैराग्राफ 2 इज शोइंग अस हियर. यस, तो हमारा क्या वर्ड था? पब्लिकली शोइंग. क्या चैप्टर था हमारा? फर्बाइल कंफ्यूजन. कंफ्यूजन वाला था हमारा. कंफ्यूजन का फर्बाइल कंफ्यूजन. And displayed, a board is displayed, yes, proclaims, a sign proclaims, known, which is known publicly or officially is proclaim. Or furbile confusion kya tha? What is that chaotic and confusion? Furbile. So, ab hum wapis chalte hain apne questions pe, where I am going to show you what is the answer. So, what do we have here? Yes. So what was known publicly is proclaim and complete chaos was furbile confusion.
Okay. Now we have the long question which says, why does the narrator find it difficult to tear himself from the square? How does the flute represent the commonality of mankind? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमारे पॉइंट्स, लेट्स सी व्हाट आर गोइंग टू बी आर पॉइंट्स. फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाई ही फाइंड्स हिम डिफिकल्ट टू टेयर हिमसेल्फ फ्रॉम द स्क्वायर. टेयर हिमसेल्फ फ्रॉम द स्क्वायर का क्या था इसका, दैट ही वाज स्पेल बाउंड बाय द म्यूजिक. ही सेज देयर इज अ लाइन व्हिच टेल्स अस दैट आई एम नॉट एबल टू फ्लूट इज समथिंग व्हिच मेक्स मी वेरी अफेक्टेड. Flute affects him greatly. All right, he is totally mesmerized by the flute seller. He actually stands there and observes him carefully, every action which he is doing, how he is playing, how he is moving around, how does when a customer observes the flute seller carefully. पूरा वो उनको नोटिस करता है, कैसे वो जा रहे हैं, कैसे वो म्यूज़िक प्ले कर रहा है, कैसे वो कस्टमर आ रहा है तो हाउ डज़ ही डील विद हिम, हाउ ही टॉक्स टू द फ्रूट सेलर. सो सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है. सो दिस टेल्स अस दैट ही इज़ डिफिकल्ट टू टेयर ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर बिकॉज वो टोटली मेसमराइज्ड और स्पेल बाउंड हो गए थे. नाउ हाउ डज द फ्लूट रिप्रेजेंट कॉमनैलिटी ऑफ मैनकाइंड. वन फ्लूट प्लेड इन डिफरेंट वेज ways and the flute kind of unites the people. Flute unites the people of different countries. इस वाले पॉइंट में आप सारे डिफरेंट फाइव टाइप्स के फ्लूट्स के बारे में बात करोगे. फाइव टाइप्स ऑफ फ्लूट्स, फाइन, उनकी टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स, बट वन म्यूजिक. डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की फ्लूट्स होती हैं, द वे दे मेक इट, बट देर इज वन म्यूजिक विच बाउंड्स एंड यूनाइट्स एवरीबडी. इस बात को आपने लिखना है एंड दैट इज व्हाट इज ही सेज कॉमनैलिटी ऑफ द मैनकाइंड. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी कैन नॉट, वी कैन फ्रेम, बट बहुत ज़्यादा इमेजिन यू आर द नेटर, क्योंकि ऑलरेडी ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट, अ पर्सन इज टेलिंग अस अबाउट इट. तो इमेजिन वाले में भी अगर हम देते हैं क्वेश्चन तो इट्स काइंड ऑफ अ समरी, या ऑलरेडी जो वो कर रहा है कि मुझे कैसा फील हुआ, मैंने कैसा किया, क्या देखा. तो दिस इज़ देयर, सो यू विल गेट मोर ऑफ अ थीमेटिक क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आ सकता है अबाउट द फ्लूट सेलर. यू कैन गेट द कंपैरिजन बिटवीन द पशुपतिनाथ एंड द बौद्ध स्तूपा. सो वी हैव गॉन थ्रू शॉर्ट आंसर्स, वी हैव गॉन थ्रू आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वी हैव गॉन थ्रू लॉन्ग क्वेश्चन. सो वी आर थ्रू विद द चैप्टर नाउ. लेट्स टेक अप समथिंग एल्स नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.